नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडित जी कहेंगे में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु, एस्ट्रो और हिंदू मैथोलॉजी एंड स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से पूर्व की अनेक परंपराएं हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब तो जो ये पालन किया जाता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक गर्भवती स्त्री को देखनी पड़ती हैं। पंडित जी, ऐसा सुनने में आया है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको सुनसान रास्ते से नहीं निकल कर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक आधार भी हैं और साथ ब साथ के अंदर इसके अंदर अपर ऑरा साइन है जी। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है जी, और हर व्यक्ति अपने साथ में अपनी वैधिनी, अपना कर्म, अपना भाग्य लिखवा करके आता है जी। सुनसान रास्ते, यहाँ जितनी भी सुनसान जगह हैं जैसे चौराहे हो गए, इन जगहों पर बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ बसती हैं। जिस प्रकार संसार में सकारात्मक शक्तियाँ भी हैं जी, उसी तरह से संसार में नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। और नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा, आपने देखा होगा, रक्त की तरफ आकर्षित होती हैं जी। जैसे बहुत सारे ऐसे तंत्र शास्त्र में चीज़ें हैं जिसमें से शावर भी एक तंत्र है, जिसी के आधार पर शबरीमला शब्द का उपज हुई है। तो शावर तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो जंगली तंत्र है जी। इसी तरीके से बहुत सारे काले जादू टोने टोटके हैं, और वो चीज़ें जो हैं वो सुनसान जगहों पर ही ज़्यादा सक्रिय होती हैं जी। कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो सुनसान जगहों पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होती हैं जी। जहाँ पर भी जनमानस ना हो, जहाँ पर भी एकाग्रता हो, वहाँ पर बहुत सारी अदृश्य नकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी जगहों पे जो जहाँ पर जनमानस का अभाव हो, वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों के बढ़ने के कारण वो एरिया जो है वो ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है जी। और भ्रूण लिए हुए स्त्री यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी, उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करके उसके ऊपर वामाचार किया जा सकता है, यानी कि वाम मार्गीय साधनाएं जो हैं एक लेडी जो प्रेग्नेंट है उस पर सबसे ज्यादा असर दिखाती है जी। उसका एक मूलभूत कारण है कि उसके शरीर में दो जीव पल रहे हैं, एक तो वो खुद जी, और उसके साथ में उसके गर्भ में, उसकी कोख में पनने वाला वो शिशु जी। और वो जो शिशु है वो एनर्जी लेस है, वो हिल नहीं सकता, वो अपनी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए गर्भ की सुरक्षा के लिए और भ्रूण की सुरक्षा के लिए सुनसान जगहों पर जाना मना किया जाता है जी। क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं जो आपको हानि पहुंचा सकती हैं जी। तो पंडित जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि महिलाओं को परफ्यूम नहीं लगा, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हाँ, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। इससे भी क्या है कि उनका जो मतलब उनके बॉडी पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है जी। बिल्कुल पड़ता है। देखिए, अदृश्य शक्तियां जितनी भी हैं, जितनी भी वाम मार्गीय शक्तियां हैं, उनका आधार जो चलता है वो चलता है किसी मीडियम पे जी। जैसे उड़द का मीडियम हो सकता है, इसी तरीके से सुगंध का मीडियम भी है। आपने भी देखा होगा रस्तों पर कई बार नींबू टोने टोटके पड़े होते हैं, तो वो एक आधार है किसी शक्ति को यहां से वहां पहुंचाने का जी। और स्पेशली लोग अंडों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं जी, क्योंकि अंडे में जिसमें जीवन है वो आपका आधार है, उसी आधार पर वो शक्ति काम कर सकती है। इसी तरीके से एक अंडा, फर्टिलाइज्ड एग, एक स्त्री के अंदर है जी, उस पर भी वो ज्यादा चीजें काम करती हैं। जिस समय पे हम सुगंध का, इत्र का प्रयोग अगर करते हैं, तो ऐसी शक्तियाँ जिसमें से बहुत सारी कुछ आत्माएं हो सकती हैं, जैसे इस्लाम में बहुत सारे जिन्नातों का जिक्र है जी, इसी प्रकार से प्रेतादि, बहुत सारे ऐसे जिन, भूत, प्रेत वगैरह, ऐसी असुर और नेगेटिव शक्तियाँ हैं जो किसी भी गर्भवती महिला पर सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं और बच्चों को क्षति पहुंचाने की, उसके प्राण लेने की कोशिश करती है जी। क्योंकि वो चीज प्रकृति से परे है, वो प्रकृति के विरुद्ध काम करती है जी। इसलिए
तो पंडित जी, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इस टाइम के दौरान कौन से रंग के जो कपड़े हैं पहनने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सुनसान जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जाना भी पड़ जाता है तो कोशिश ये कीजिए कि कपड़े डार्क कलर के ना हो जी, क्योंकि नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती हैं उनके जो कलर होते हैं या तो वो शेड्स होती हैं रॉयल ब्लू जी, ब्लैक, ब्राउन, ये तीन शेड्स हमें अवॉइड करनी चाहिए और खाकी शेड्स बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, खाकी और ग्रे जी। जितने भी प्राकृतिक डीप फॉरेस्ट के अंधेरे के रंग हैं वो आपको बकायदा नहीं पहनना चाहिए। इसके बस के अंदर आप पीला पहने, लाल पहने, सफ़ेद पहने, ऑरेंज पहने, कुछ हद तक हरा भी पहन सकते हैं जी। ये चीज़ें सुरक्षित रहती हैं, ये कलर के कपड़े आप पहन के जा सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो एक गर्भवती स्त्री को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रात को कभी भी गर्भवती स्त्रियां दूध पी के घर से ना निकलें जी, दूध पीकर सैर करने ना जाएं। कोशिश ये करें कि अगर उनको किसी सुनसान इलाके से गुजरना भी हो या किसी टू व्हीलर पर जाना हो तो कोशिश ये करें कि वो अकेले ना जाएं जी, और स्पेशली अगर अकेले जा भी रही हैं तो किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे से ना निकले जी। दूसरी बात ये कि खुले में कभी रात्रि के समय पर यूरिनेशन ना करें जी। तीसरी बात, रात को दूध पीकर घर से बिल्कुल बाहर सन्नाटे में ना जाएं जी। कोशिश एक और भी करें कि इत्र ना लगाएं जी, रात के समय पर इत्र बिल्कुल ना प्रयोग करें। पांचवी बात कि आपके कपड़े जो हों वो कहीं से भी नीले काले नहीं होने चाहिए, लाल काले का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, लाल सफ़ेद का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। लाल अगर आप पहनते हैं तो लाल नॉर्मली पूरा लाल पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करें कि येलो शेड्स, वाइट शेड्स, पिंक शेड्स ये ज़्यादा डालें जी। इसके साथ साथ आपको एक सावधानी और बरतनी चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है, तो उसके लिए आपको रक्षाबंधन जैसे हम कहते हैं हाथ के अंदर रक्षा सूत्र जो है वो ज़रूर बनवाना चाहिए जी। और एक रक्षा कवच जरूर धारण करना चाहिए। रक्षा कवच अधिकतर अमूमन जितनी भी गर्भवती स्त्रियां वो अपने कमर पे पहनती है जिससे गर्भ की सुरक्षा हो सके जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्त्रियों के लिए खुले बाल करके ना जाए, क्योंकि खुले बालों की तरफ नकारात्मक शक्तियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जी। पंडित जी, अभी आपने बताया रक्षा सूत्र के बारे में, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये रक्षा सूत्र जो है वो कैसे बनाया जाता है, मतलब किस चीज का बना हो या किस दिन बांधना चाहिए उसे? देखिए, जो अमूमन हमारे वैदिक रूप से जो रक्षा सूत्र बनाया जाता है वो कपड़े की थैली होती है जी, उसके अंदर कुछ औषधियां होती हैं जी, उसमें से एक औषधि जो होती है वो होती है राई जी, एक होता है लौंग जी और पीली सरसों, ये तीन चीजें बेसिक होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी इसमें डाली जा सकती हैं या डाली जाती हैं, जिसमें से एक है वेदरमूल। तो इस तरीके से बहुत सारी औषधि हैं जिनका काम है किसी भी इफेक्ट को, किसी भी एनर्जी को सोख लेना जी, जिसमें से लौंग और राई सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं, और तीसरी लाई जाती है सरसों जी, पीली सरसों जैसे हम कहते हैं, और इसको लाल कपड़े में बांध करके काले धागे में इसको बनाया जाता है, और इसमें रक्षा के मंत्र पढ़े जाते हैं। जो अभी पढ़ना संभव नहीं है उस विधि को बताना, बड़ी कॉम्प्लेक्स विधि होती है, लेकिन दुर्गा से रिलेटेड कई ऐसे मंत्र हैं जिनको उसमें पढ़ा जाता है जी। जी, तो पंडित जी, इस टाइम पीरियड के दौरान मुझे लगता है कि खान पान का भी ध्यान रखना होता होगा। बिल्कुल, खान पान का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, रात्रि के समय पर दूध का सेवन नहीं किया जाता है, और इस दौरान के अंदर रात के समय पर नॉन वेजिटेरियन या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आजीवन कभी भी तामसिक भोजन का, अंडे, मीट, मछली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन कुछ विशेष दिनों के अंदर स्पेशली आप कोशिश करें कि वेजिटेरियन व्यवहार रखें, खूब हरी सब्जियां, फल खाएं, लेकिन तामसिक भोजन को टालें। तो पंडित जी, ऐसी स्त्रियों के लिए आप कोई स्पेशल टिप देना चाहेंगे हमें? बिल्कुल, ऐसी स्त्रियों के लिए एक स्पेशल टिप है, और सबसे ज़्यादा रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं जी। तो नॉर्मली जो स्त्रियाँ अगर तंत्र वगैरह से संबंधित नहीं काम करना चाहते हैं तो उनको एक सिंपल एक काम करना चाहिए, एक छोटी सी पॉलीथीन के अंदर थोड़ी सी सरसों ज़रूर बांध लें, सरसों और जौ, और उसको लाल कपड़े में लपेट के उसकी एक ताबीज़ बना लें, और उसको काले धागे या मौली में पिरो लें जी, और उसको हनुमान जी पर चढ़ाएँ,
और हनुमान जी के लेफ्ट पांव पे चढ़ाएं जी, और उसका थोड़ा सा सिंदूर जो है वो उस ताबीज पे लगवाएं। उसके बाद में मंगलवार के दिन इसे अपने गर्भ क्षेत्र पे, अपने नाभि क्षेत्र पे से धारण कर लें। निश्चित ही आपके गर्भ की रक्षा होगी और कोई भी सुनसान इलाका आपको कभी परेशान नहीं करेगा, कभी भी कोई यंत्र यंत्र दूर, क्योंकि नाशे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस अहम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज आपके लिए लेकर आएंगे, पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज कुंडली TV लाइक और शेयर करना ना भूलें।